Duke 200 water damage meter repair, modify with white and modify with dark theme. So, नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक शर्मा, स्वागत है आपका मेरे चैनल शर्मा डिजिटल मीटर रिपेयर में। देख सकते हैं इसके दोनों ही बटन टूट चुके हैं, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छे तरीके से वाटर डैमेज हो चुका है, बट फिर भी कस्टमर ने टेप लगा दिया था और ज़्यादा टाइम इसको बाइक में नहीं रखा, जिस वजह से ये ईजिली रिपेयर हो गया है। इसका डिस्प्ले भी ओरिजिनल वाला ही इसका रिपेयर हो गया है, डिस्प्ले नया डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो कस्टमर ने इसको ज़्यादा धोया भी नहीं बाइक को, जब से इसके मीटर के बटन ख़राब हो गए थे, तो इस वजह से बहुत ही कम इसमें पानी गया था और जिस वजह से इसका डिस्प्ले रिपेयर हो पाया। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, मैं जब भी इसका ये बैक कवर खोलता हूँ तो इसकी जो रबड़ है मैं कभी भी इसको कट नहीं करता हूँ। इसको कट नहीं करना चाहिए, इसको केमिकल के थ्रू इसको ईजिली रिमूव करना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम इसमें वेपर बन के पानी कभी अंदर ना जाए। तो चलिए अभी देखते हैं इसके इसमें मैंने जितना देखा इसमें पानी कुछ ज़्यादा नहीं गया था, बाकी वाटर डैमेज था, थोड़ा बहुत शॉर्टिंग वगैरह थी जिसकी वजह से बैटरी भी शायद ड्रेन कर रहा होगा ये मीटर। तो देख सकते हैं इधर पानी का ट्रेसेस तो हैं, बट उतना ज़्यादा नहीं है जितने बड़े बड़े होल्स में दिख रहे थे। ऊपर से देखने में कुछ अलग ही कंडीशन दिख रही थी, मुझे लग रहा था इसका डिस्प्ले ख़राब हो चुका होगा, बट ऐसा नहीं था। देख सकते हैं मीटर बड़ी जल्दी रिपेयर हो चुका है, और इस मीटर में एक काफ़ी बड़ी, इस मीटर को रिपेयर करने के टाइम पे एक चीज़ जो मुझे ध्यान देना चाहिए था वो मैंने ध्यान नहीं दिया, जो कि मैं आपको वीडियो में ही बताऊंगा, और उसमें वो पूरी मेरी गलती थी जिसकी वजह से मुझे इसमें डबल टाइम देना पड़ा। तो देख सकते हैं इसकी डिस्प्ले रिपेयर हो गई है, बट इसमें नोटिफिकेशन डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो अभी हम इसका नोटिफिकेशन भी रिपेयर करेंगे। तो ये देखिए अभी इसका नोटिफिकेशन भी आएगा, इसमें हमने ये डिस्प्ले रिपेयर कर दिया है, चलिए लगा के देखते हैं। देख सकते हैं अभी नोटिफिकेशन डिस्प्ले भी इसकी कम्प्लीटली रिपेयर हो चुकी है, अच्छे से काफ़ी दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है। तो चलिए एक बार इसको फिट करते हैं और इसकी बैकलाइट भी चेक कर लेते हैं, और देख सकते हैं बैकलाइट भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है, स्पीड वगैरह सब अच्छे से काम कर रहा है इसका, मीटर कम्प्लीटली रिपेयर हो चुका है। बट इसके बटन में जब दबाने गया तो काफ़ी हार्ड प्रेस करने के बाद हल्का हल्का काम कर रहे थे, वो भी इसमें 10-12 में 4 बार काम कर रहे थे, बाकी नहीं। तो मैंने इसके फटाफट से बटन्स भी निकाल के और अंदर से पूरे क्लीन करके इसको वापस फिट कर दिया। ये बटन ओरिजिनल वाले ही रिपेयर हो जाते हैं मोस्टली, तो ये बटन दोनों के दोनों रिपेयर कर दिए। उसमें बहुत ही हल्का सा, बहुत ही माइनर सा मैंने WD-40 अंदर मार के इसको, बहुत मिनिमल, ताकि इसमें कभी रस्ट ना लगे नेक्स्ट टाइम और ये ख़राब ना हो, और इसको वापस पैक कर दिया है। तो अभी देख सकते हैं ये मिडिल डिस्प्ले भी अच्छे से आ रहा है, नोटिफिकेशन डिस्प्ले इसमें, और बटन भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहे हैं अभी इसके। और एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा, इसमें जो ये सर्विस रिसेट बार बार आता है, इसको रिमूव करने का तरीका ये है कि इसको ओडो पे लेके आइए। पहले तो आपको टेम्परेचर चेक करा देता हूँ मैं, देखिए टेम्परेचर अभी वर्क कर रहा था और अभी ये मेल हो जाएगा, चलो टेम्परेचर ठीक हो गया। अभी मैं आपको बता रहा था इसका ओडो सर्विस रिसेट को गायब करने के लिए, तो पहले आपको ओडो पे इसको लेके आना है, ऑडो पे लेके आके, और आपको फिर इसको इसका जो सेट वाला बटन है इसको आपको सेटिंग पे लेके आना है, और सेटिंग पे आने के बाद आपको कुछ 8 या 9 सेकंड तक दबा के रखना है, और ये आपका सर्विस रिसेट इसका रिसेट हो जाएगा। तो जो सबसे बड़ी गलती जो मैं आपको बता रहा था वो ये थी कि जब मैंने इसको कस्टमर को देने के लिए इसका व्हाट्सएप मैसेज ओपन किया कि उसको इसका वीडियो भेजता हूँ, तब मुझे इसमें पता लगा कि कस्टमर ने बोला था इसमें डार्क थीम डालना है, तो मुझे इसको वापस पूरा ओपन करना पड़ा। तो डार्क थीम डालने के लिए सबसे पहले तो हमको बेस इसका वाइट से स्टार्ट करना पड़ता है, तो ये देख सकते हैं हमने इसका बेस वाइट LED इसमें फिट कर दी है, काफ़ी अच्छे से ग्लो हो रहा है। अब हम इसमें डिस्प्ले लगाएंगे ओरिजिनल इसका, और ये ओरिजिनल में वाइट इस तरीके से दिखता है। अब हम डिस्प्ले को कन्वर्ट करेंगे डार्क थीम में, तो अभी आपको डार्क थीम भी दिखा देता हूँ, पहले आप वाइट देख लीजिए। कुछ लोगों को वाइट ही पसंद आता है, कुछ लोग वाइट ही करवाना चाहते हैं अपना डिस्प्ले, बट इस कस्टमर की पसंद है डार्क थीम। देख सकते हैं कितना सुंदर दिखता है डार्क थीम, ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है इसका। एक ये जो बीच में आपको इसमें शेड दिख रहा है, ये कुछ डिस्प्ले में अंदर से ही आ जाता है ऑटोमेटिकली, इसमें एक साइड से आपको ये देखने को मिलेगा, बाकी राइडिंग साइड से आप देखेंगे तो आपको ये नहीं दिखेगा। देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली अभी डिस्प्ले वर्क कर रहा है, तो
वापस से इसको मैं पैक कर देता हूँ। अभी इसमें मैंने पूरा वाटरप्रूफिंग के लिए जो इसके अंदर साइड में लगाया था मैंने, वो मुझे वापस से इसको थोड़ा रेडी करना पड़ेगा, वापस से वाटरप्रूफ थोड़ा और अच्छे से करना पड़ेगा इसको, क्योंकि पहले वाला तो सूख गया है इसमें, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया था मुझे ये डार्क थीम और ये वाइट लाइट्स में सेट करने में। तो अभी मैं इसको इसके स्क्रू थोड़ा थोड़ा ढीले करके टाइट करूँगा और उसमें बीच में एक गैप बनाऊँगा और उस गैप में वापस से ये वाटरप्रूफिंग भर के और मैं इसको फिर वापस 7 के टॉर्क पे इसको टाइट कर दूँगा। तो अभी क्या होगा, जो भी जितना इसको ज़रूरत होगी उतना ये अंदर घुस जाएगा इसके अंदर एक ग्लू, और जो एक्सेस रहेगा वो बाहर आ जाएगा। जो कि बाहर आएगा तो मैं इसको स्क्रूज वगैरह पे लगा दूँगा ताकि स्क्रूज में जंग वगैरह ना लगे। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे जो भी आप में से मेरे फ्रेंड्स जो नए नए आए हैं जो इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस टाइप के वीडियो हमेशा लेके आता रहूँगा। और मैं कहना चाहूँगा कि आप कभी भी, ये जो फ्रॉड्स कॉल बहुत चल रही है आजकल जो कुरियर वालों की तरफ से आ रही है, तो प्लीज़ आप उस पर ध्यान ना दें, कभी किसी अननोन लिंक पर क्लिक ना करें और सतर्क रहिए, सेफ रहिए। देख सकते हैं फाइनल टेस्टिंग है मीटर की, बटन काफ़ी इजीली वर्क कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। क्या पता आपके फ्रेंड्स इस टाइप का कुछ मॉडिफाई या कुछ अलग कुछ कराना चाहें, तो मैं हर चीज़ के लिए अवेलेबल हूँ। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।